अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार के नेतृत्व में शहर में निकाली गई रैली, पुलिस का आमजन के प्रति व्यवहार सुधारने सहित कई मांगों को लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंच सौंपा ज्ञापन। शनिवार को अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार के नेतृत्व में शहर में रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। रैली के बाद आम जनमानस की समस्याओं और पुलिस का उनके प्रति व्यवहार सुधारने सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि जिले में अपराधियों के ऊपर पुलिस का खौफ नहीं है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, आम आदमी परेशान है। मध्य प्रदेश बलात्कार के मामले में नंबर वन बन गया है और जब इसकी शिकायत की जाती है तो अधिकारी कहते हैं पुलिस बल की कमी है, अगर कमी है तो उसे दूर किया जाए। अगर कोई थाने शिकायत करने जाता है तो पुलिस का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं रहता, और जब इसकी शिकायत अधिकारियों से की जाती है तो उनका कहना होता है कि पुलिस 24 घंटे की ड्यूटी करती है, इसलिए उसका व्यवहार ऐसा है। उनका कहना है कि पुलिस आमजन के प्रति अपना व्यवहार सुधारे और उनसे 24 घंटे की बजाय 8 घंटे ड्यूटी कराई जाए और उनको भी छुट्टी निर्धारित की जाए। भाजपा सरकार, उसके पहले कांग्रेस सरकारों के समर्थक कोई हो सकता है, हमने से बीच में कोई हो सकता है, लेकिन अगर रीवा की बात की जाए तो पिछले 14 वर्षों में 400 से अधिक हत्याएं हो चुकी और हजारों लूट प्रतिवर्ष, हजारों बलात्कार प्रतिवर्ष, मध्य प्रदेश बलात्कार के मामलों, महिला अत्याचार के मामलों में नंबर वन आ चुका है। जब हम लोग कई बार अधिकारियों के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उसकी रोकथाम करिए, उनका एक ही बहाना रहता है कि पुलिस बल की कमी। तो हम लोग इस मुद्दे पे आए हैं कि अगर पुलिस बल की कमी की वजह से अपराध हो रहे हैं तो आप इस कमी को पूरा करें, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे में तो मारा जाएगा, 2-4 साल में हर घर में ये चैन बाई चैन कम्प्लीट होगी कि कोई ना कोई घर नंबर में आ जाएगा। तो अगर पुलिस बल की कमी की वजह से ये अपराध बढ़ रहे हैं तो वो पुलिस बल की कमी पूरी की जाए।